कोविड-19 महामारी का एक ऐसा रूप जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। फेफड़े के संक्रमण से बड़े पैमाने पर कोविड मरीज सांसों के लिए जूझे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत सरकार ने कोरोना महामारी की पहली लहर का डटकर सामना किया, जिसमें अस्पतालों में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स उपलब्ध करवाए गए, राज्यों को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद दी गई। कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट होने से विकसित देशों में ये बीमारी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। भारत में भी मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। इस स्थिति को भांपते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होकर कई कदम उठाए। इसमें देशवासियों को पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी सभी जरूरी मदद के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी पूरा जोर दिया गया। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। आपदा की इस घड़ी में सरकार एवं सभी संस्थाओं ने मिलकर काम किया। भारत सरकार ने जल, थल, नभ हर संभव रास्ते से देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। पीएम केयर्स फंड से देश के सभी 736 जिलों के 1,224 अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया। नदी, पहाड़, द्वीप हो या समंदर, इन पीएसए प्लांट्स को देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे कम से कम समय में वहां न केवल पहुंचाया गया बल्कि रिकॉर्ड समय सीमा में सफलतापूर्वक स्थापित करके चालू भी किया गया। इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। अब तक कुल 7,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से निकले फिल्टर्ड ऑक्सीजन की मात्रा, शुद्धता और गुणवत्ता की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग IoT के माध्यम से की जाती है। इस तरह अब तक 1,00,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 1,224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, 4,00,000 से अधिक बेड्स को ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई से जोड़ा गया है। साल 2019 में जहां LMO का रोजाना उत्पादन औसतन 900 मैट्रिक टन था, वहीं साल 2021 में ये बढ़कर 9,300 मैट्रिक टन हो गया है। इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने न केवल इस अभूतपूर्व आपदा का सामना किया बल्कि उनके आह्वान पर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर हुआ। ये एक ऐसी असाधारण उपलब्धि है जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से हासिल किया गया है। संकल्प से हो रही है सिद्धि, रहेगा भारत स्वस्थ तो आएगी समृद्धि। आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे हैं अनगिनत प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।